जी हमारा समर 2012 का पेपर 31 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कह रहा है द पॉइंट पी हैज कोऑर्डिनेट्स माइनस 1। अब ये देखिए पॉइंट पी को जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मैं दिखा रहा हूँ माइनस 1 4 11 है एंड द लाइन है इज इक्वेशन दिस वन, यानी ये पॉइंट पी है और ये लाइन एल है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एल, यानी एल अब एल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस करें पी से। सपोज मैं कह रहा हूँ ये लाइन एल है, अगर ये लाइन एल है तो इसकी इक्वेशन में ये लिख सकता हूँ कि आर इज इक्वल टू 1 3 माइनस 4 प्लस लेमडा 2 1 3, और ये इसके ऊपर पी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है माइनस 1 4 और 11। अब ये कह रहा है इसका परपेंडिकुलर समीकरण करें से 90 डिग्री पे, तो सबसे पहले मैं ये एन फुट अगर परपेंडिकुलर करूँगा ये 90 डिग्री पे, और सपोज एन जो होगा मैं सपोज करूँगा वो जनरल पॉइंट है इस लाइन का, तो ये होगा 1 प्लस 2 लेमडा और 3 प्लस लेमडा और ये होगा -4 प्लस 3 लेमडा, जनरल पॉइंट हो गया। अब मैं पी एन मालूम करूंगा, पी एन जो है डायरेक्शन वेक्टर पी एन, जाहिर बात है एन में से पी माइनस करना, एन ये 1 प्लस 2 लेमडा से -1 होगा तो ये होगा 1 प्लस 2 लेमडा -1। अपन ये 3 प्लस लेमडा से होगा -4 और ये -4 प्लस 3 लेमडा से होगा -11, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 1, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा और ये आ जाएगा -1 प्लस लेमडा और ये आ जाएगा -15 प्लस 3 लेमडा। अब आप देखें ये पी एन जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मकसद है कि ये 2 प्लस 2 लेमडा और इसकी जो प्रोडक्ट होगी डॉट प्रोडक्ट वो जीरो होनी चाहिए, यानी मैं कह सकता हूँ कि पी एन डॉट प्रोडक्ट बी के साथ मस्ट बी जीरो। तो ये आप लिखेंगे 2 प्लस 2 लेमडा -1 प्लस लेमडा -15 प्लस 3 लेमडा डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 2 1 3 मस्ट बी जीरो। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और लेमडा की वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 2 into 2 plus 2 lambda प्लस 1 into -1 plus lambda प्लस 3 into -15 plus 3 lambda मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये आता है 4 plus 4 lambda -1 plus lambda -45 plus 9 lambda मस्ट बी इक्वल टू जीरो। 9 lambda, 4 lambda यह जाता है 14 lambda और +4 -1 +3 -42 बराबर होता है 0 के, तो 14 lambda आ जाता है 42 के, तो lambda आ जाता है 3 के। जब lambda 3 है तो जनरल पॉइंट हमारा ये देखें 1 plus 2 lambda तो जनरल पॉइंट हमारा जो है ये है 1 प्लस, तो दोबारा लिखूंगा 1 प्लस 2 लेमडा और ये है 3 प्लस लेमडा और -4 प्लस 3 लेमडा। इसमें लेमडा इज इक्वल 3 फुट कर दूंगा तो हमारा एन पॉइंट मिल जाएगा, तो हमारा ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया एन 1 प्लस 6 2 3 6 तो ये हो जाएगा 7, फिर होगा 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, -4 प्लस 9 हो जाएगा 5 6 7 6 5 ये पॉइंट। अब पी पॉइंट जो हमें मिला हुआ है पहले से ही देखिए वो मैं दिखा रहा हूँ, पी पॉइंट है -1 4 11, तो आप -1 4 11 को इधर रखेंगे -1 4 और 11। अब इनका डिस्टेंस मालूम करें एन पी या पी एन जो भी कह रहे हैं आप डिस्टेंस फार्मूला से, ये होगा 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 -11 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 + 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 + 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये जाएगा 5 -11 -6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट में, तो
ये आ जाएगा मेरा 36 एंड 64, 100, 104 अंडर रूट, 104 अंडर रूट इधर छोड़ दे तब ठीक है। तो अगर पॉइंट्स में आंसर वैल्यू करना चाहे तभी ठीक है, या फिर इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। मेरा ख्याल अगर 104 के फैक्टर्स करूं तो 5 टू 10 टू, फिर ये आता है 26, फिर ये आता है 2 और 13, यानी मैं ब्रेक कर सकता हूँ 4 इंटू 26 अंडर रूट में, तो ये आ जाता है 2 अंडर रूट 26, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने मालूम किया यानी पॉइंट का डिस्टेंस। आप देखें मैंने क्या किया कि इसका यानी जनरल पॉइंट ले लिया, उसको फोटो पर प्रिंट कर दिया उससे, और इसका यानी ये एन जनरल पॉइंट ले लिया, ये पी एन वैल्यू का, पी एन की डॉट प्रोडक्ट की इसके साथ जीरो, तो लेमडा की वैल्यू है लेमडा इसमें पुट की एन में, तो फोटो पर प्रिंट कर गया, फोटो पर प्रिंट कर एन और पी का डिस्टेंस मिल गया, ये हो गया। अब ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कंटेन्स पी एंड ए, गिव योर आंसर, यानी एक प्लेन की इक्वेशन वैल्यू करनी है जिसमें ये पॉइंट भी और ये लाइन भी है। हमारा जो पॉइंट है आप देखें, यानी ये प्लेन की इक्वेशन वैल्यू करनी है जिसमें कहता है ये पॉइंट हो, पॉइंट ये कौन सा पॉइंट है देखें, पॉइंट है हमारा -1411 -1 4 और 11 पॉइंट है, और ये लाइन है इधर, सपोज ये लाइन, ये इसका डायरेक्शन वेक्टर बी होगा, डायरेक्शन वेक्टर लाइन का ये है, आप देखिए डायरेक्शन वेक्टर लाइन का क्या है 213, ये 213 डायरेक्शन वेक्टर लाइन का है, और लाइन पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ये, इसका ये डायरेक्शन वेक्टर वैल्यू करूंगा फिर मैं B1 हो जाएगा ये डायरेक्शन वेक्टर, ये सपोज B1 है, और ये लाइन पे जो पॉइंट है मैं वो ही ले रहा है, लाइन पे पॉइंट क्या है आप देखिए, लाइन पे पॉइंट है 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 ये पॉइंट है 13 माइनस 4, तो आपका B1 तो मैं मिला हुआ है, देखिए B1 मैं वो ही ले रहा हूँ 213, B2 जो है इन दोनों का ले लूंगा, B2 -1411 का 13 -4 ये जगह 1 -1 आ जाएगा 2, ये 3 -4 आ जाएगा -1, और ये -4 -11 हो जाएगा -15, तो अब आपका ये मिल गया। अब मुझे जो है ना इसका n मैल्यूम करूंगा, तो n आ जाएगा ये 213 पहला 213 क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा 2 -115 के साथ -15 के साथ। अब जब n इज इक्वल टू, पहले ये j को मैं छुपा लूंगा, j को माइनस कर दूंगा, अब i को छुपा लूंगा, तो 2 को छुपा रहे हैं आप, ये 1 इंटू -15 ये होता है -15 के, ये होता है -3 तो उधर लिखूंगा +3, 2 + 3, इसके बाद j के लिए छुपाना पड़ेगा ये, तो ये हो जाएगा -15 -30 और ये हो जाएगा -6, फिर आप k वाले को छुपाएंगे ये हो जाएगा -2 और ये भी -2 हो जाएगा, तो ये हमारा आता है -12 और ये 36 और -4, -4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आता है 3 -9 और 1, ये नॉर्मल मिल गया प्लेन का। अब जब प्लेन का नॉर्मल मिल गया हमें, तो देखिए बेसिकली प्लेन का नॉर्मल मैंने कैसे मैल्यूम किया है, एक लाइन तो उसका मिला हुआ है, एक लाइन का पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट है उसका डायरेक्शन वेक्टर मैल्यूम किया, उनकी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मैल्यूम की, तो ये हमारा आ गया नॉर्मल टू द प्लेन। अब प्लेन की इक्वेशन मैल्यूम करें, r dot n is equal to a dot n, ये जगह r dot n की यही 3 -9 1 is equal to a, एक कोई भी पॉइंट ले लें, वो पॉइंट ले जो लाइन का यही लेते हैं -1 4 11 पॉइंट ले लेते हैं -1 4 11 dot 3 -9 और 1, ये आप करें तो ये आता है r डॉट
3 माइनस 9 1 इक्वल टू माइनस 3 माइनस 36 प्लस 11। ये x में अगर ये r का x y z होता है तो इसकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 3x माइनस 9y प्लस 8 इक्वल टू माइनस 39 प्लस 14 माइनस 28। ये आंसर हो गया। चाहे तो आप ये भी आंसर ले सकते हैं माइनस 3x प्लस 9y माइनस 8 इक्वल टू 28। ये ले लें जो भी आपका दिल करे वो आप आंसर ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप प्लेन आ गई। इस तरीके से हमने ये लेक्चर दिए।